हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आई एम नेहा सेठी एंड वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे सिनकॉम फॉर्मुलेशन शेयर के बारे में। मैं डेली आपको इस शेयर की परफॉर्मेंस बताती हूँ, वॉल्यूम बताती हूँ, बिकॉज फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा शेयर है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को कैरी करता है। एंड फ्यू सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट कि मैम डेली इसका जो परफॉर्मेंस है प्लीज शेयर कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, आप सबको पता है फार्मा सेक्टर का एक पेनी स्टॉक है, फार्मा सेक्टर से बिलोंग करता है, 600 प्लस प्रोडक्ट रेंज है, 16 कंट्रीज में ग्लोबली वर्क करता है। करंट प्राइस चल रहा है 8.75। आज इसने एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है 1.16% का। 52 वीक लो की बात करें तो है 5.76 एंड हाई है 20 रुपीज के आसपास। तो अपने हाई के कंपेरिजन अभी आपको काफी अच्छा डिस्काउंट में मिल रहा है शेयर। बहुत ही जल्दी आपको दोबारा अपने 52 वीक हाई को क्रॉस करता दिखने वाला है। लॉन्ग टर्म अगर किसी पैनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सिनकॉम फॉर्मुलेशन बेस्ट शेयर है। रीजन, फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है, प्रोमोटर्स होल्डिंग इंक्रीज हुई है। एंड कल आपको एक अच्छी चीज बताऊंगी कल क्या हुई है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मार्केट कैप भी फ्रेंड्स इंक्रीज हो गया है, 822 करोड़ हो गया है मार्केट कैप, बिकॉज इन्वेस्टर्स ने 74% की डिलीवरी कल उठाई है। तो मार्केट कैप पहले 700 समथिंग में था कल तक, लेकिन आज मार्केट कैप बढ़कर हो गया है 822 करोड़। फेस वैल्यू है 1 रुपीज। यहां से शेयर कल या परसों में कैसे परफॉर्म कर सकता है, आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों के टारगेट्स बताऊंगी। अगर कल मार्केट अच्छी रही, इंडेक्सेस अच्छे रहे, तो कल आप इसमें एक टारगेट देख सकते हो 8.82 का, देन 8.98, देन 9.12। और अगर नीचे की तरफ आता है तो सपोर्ट कहाँ कहाँ ले सकता है। पहला सपोर्ट ले सकता है 8.52, देन 8.38, देन 8.22। फ्रेंड्स, आज का वॉल्यूम था 11 लाख, बट कल की आपको एक मेन चीज बताना चाहूंगी। कल इसमें फ्रेंड्स, कल भी वॉल्यूम 11 लाख था, बट 74% की डिलीवरी उठाई गई है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज और जो कि सबसे ध्यान देने वाली चीज है कि इन्वेस्टर्स कितनी डिलीवरी उठा रहे हैं। 74% फ्रेंड्स बहुत अच्छी डिलीवरी उठाई गई है इसमें, तभी इसका मार्केट कैप भी बढ़ता दिख रहा है आपको। 100% एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं कि आपको सिनकॉम फॉर्मुलेशन को बाय करके होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, एक गुड रिटर्न के लिए। फ्रेंड्स, लेटेस्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट इनकी आई है और वो है हाफ ईयरली ट्रांजेक्शन, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट भी शो कर दिया था। उसके बाद कोई भी लेटेस्ट अनाउंसमेंट नहीं आए। बट फ्रेंड्स, अगर आप इस शेयर को 3 या 4 ईयर्स के लिए होल्ड करके भूल जाते हो तो आपको ये बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। मैंने आपको एक शॉर्ट टर्म टारगेट विद इन अ फ्यू डेज दिया था इसका 10 रुपीज का। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा वीक वेट कीजिए, 10 रुपीज को क्रॉस करता दिखने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। अपनी हार्ड एंड मनी को कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद से रिसर्च करना बहुत जरूरी है, हमेशा करिए। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज कर दीजिए सब्सक्राइब। एंड कोई भी शेयर के अकॉर्डिंग किसी भी शेयर में कंफ्यूजन है, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।